द फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रिलायंस जियो, मतलब बिल्कुल गोरिल्ला वाला अटैक किया। गोरिल्ला अटैक बेसिकली मार्केटिंग में यूज होता है, जब आप किसी ऐसे तरीके से अटैक करते हो कि अगले को मतलब बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिलता। सेम उसी तरीके से रिलायंस जियो ने एंट्री करी अपने खूब सारे प्रोडक्ट के साथ, खूब सारे एप्लीकेशन के साथ, जिसमें से काफी पॉपुलर प्रोडक्ट रहा वो रहा उसका DTH, मतलब की एक स्मार्ट बॉक्स जिसके थ्रू आपको DTH और मतलब जितनी भी ऐसी सर्विसेज हैं वो सारी आपकी टीवी पे प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग करी है उस सेटअप बॉक्स की और वो मैं डिस्कस करने वाले हूँ आपके साथ। बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसा आने वाला है सेटअप बॉक्स, कैसा होने वाला है, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या क्या कनेक्टिविटी एंड ऑल। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, बिकॉज ऐसे करोगे नहीं तो ऐसी वीडियोज आएंगी कैसे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस आपका प्यार बना रहे, आपका भाई ऐसे ही मस्त रहेगा। तो यहाँ पे जब आप जियो फाइबर की वेबसाइट पर जाते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है मतलब दिखाने के दांत कुछ और खाने के और, बिकॉज इतनी सारी चीजें और पता नहीं कब आएंगे। फिलहाल जो सेटअप बॉक्स है उसके बारे में बात कर लें तो देखो यहाँ पे छोटा सा सेटअप बॉक्स बना हुआ है और एक वीडियो भी बनी हुई है कि 4K इनेबल सेटअप बॉक्स है। 4K चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास 4K टीवी होना चाहिए। अगर नॉर्मल टीवी है तो वहाँ पे जो आपकी टीवी का रेजोल्यूशन है पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल उसी रेजोल्यूशन की आने वाली है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे जियो के सेटअप बॉक्स को और देख लेते हैं कैसा है, कैसा मतलब गोलमटोल सा कैसा डिजाइन है, शुरू करते हैं। ओके, सो ये मैंने अनबॉक्स किया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली जियो सेटअप बॉक्स चलाने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत है। एक HDMI केबल चाहिए, पावर अडेप्टर चाहिए, रिमोट चाहिए और यहाँ पे सेटअप बॉक्स चाहिए। तो ये छोटा सा जो आप देख सकते हो ये है यहाँ पे सेटअप बॉक्स और ये हो गया रिमोट जिसपे जियो की ब्रांडिंग है। बाकी यहाँ पे फर्दर देख लें तो एक नॉर्मल सी HDMI केबल आ जाती है, साथ में बॉक्स में आती है ये। और ये डिपेंड करता है आप कौन सा सेटअप बॉक्स बाय कर रहे हो, अलग अलग सेटअप बॉक्स के साथ ये वेरिएंट अवेलेबल है। और ये हो गया सेटअप बॉक्स और इसके कटआउट अगर हम यहाँ पे देख ले तो देखो सबसे पहले SPDIF मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ से आप ऑप्टिकल साउंड आउटपुट वगैरह दे सकते हो। मतलब आपके पास साउंड बार है जो ऑप्टिकल केबल वगैरह सपोर्ट करते हैं तो वहां से साउंड आ सकता है। लैन पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे जिससे आप इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हो और उस कनेक्टिविटी के बेसिस पे ये चलता है। उसके बाद कर लें HDMI पोर्ट मिल जाता है जिससे सिंगल स्क्रीन चला सकते हो, पावर अडेप्टर मिल जाता है और USB 2.0 मिल जाता है। ये इतने कटआउट मिलते हैं पीछे। तो यहाँ पे ये सेटअप बॉक्स 4K सपोर्ट करता है, सिंगल स्क्रीन सपोर्ट करता है और चलता है लैन पे। इसके साथ यहाँ पे ब्लूटूथ और वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है सेटअप बॉक्स में। आगे देखते हैं लुक एंड फील की, तो ऐसे ग्लॉसी सा लुक है इसका। यहाँ पे microSD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, अप टू 16GB का microSD कार्ड डाल सकते हो। बेसिकली ये काम आता है जब आप किसी जियो के कंटेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड करो, बिकॉज यहाँ पे जियो का सेटअप बॉक्स है तो जियो के सारे एप्लीकेशन आएंगे इसमें। और अगर आप उस कंटेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हो ऑफलाइन व्यूइंग के लिए कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, या फिर आप 7 डेज कैचअप वगैरह जो होता है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहे, तो उसके लिए ये मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही एक्सटर्नल एप्लीकेशन वगैरह, गेम्स वगैरह हो गए, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। इंटरनल जो मेमोरी है इसकी 4GB है और एक्सटर्नल अप टू 16GB एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे रीसेट बटन मिल जाता है, मतलब इनकेस हैंग वैंग हो गया शुरू से रीसेट करना है आपके सेटअप बॉक्स को तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे बैक में देखो तो इसका मेक वगैरह, सीरियल नंबर, ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और बॉक्स जो है दिखने में काफी प्यारा सा लगता है। यहाँ पे रिमोट की बात करें तो नीचे जियो की ब्रांडिंग है, एक ऊपर नेविगेशन बटन मिल जाता है जिसमें आप लेफ्ट राइट अप डाउन जा सकते हो। म्यूट का बटन है, पावर का बटन है, वॉइस कमांड इनेबल्ड रिमोट है जो कि गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे आप वॉइस से जो भी चाहे वो करा सकते हो। ये जो पूरा सेटअप बॉक्स है एंड्रॉयड OS पे चलता है तो एंड्रॉयड के जितने भी टीवी वाले एप्लीकेशन है उन सबका एक्सेस आपको मिल जाता है और जिसकी कोई गिनती नहीं है आपको पता है। तो यहाँ पे बैटरी वगैरह AAA साइज की 2 बैटरी डलती है जो कि काफी लंबा बैकअप देती है। IR बेस्ड रिमोट है, इंफ्रारेड बेस्ड। यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह आ जाता है कि जब भी आप कोई बटन दबाओगे तो आपको पता रहेगा यार बैटरी खत्म हो गई है नहीं, या है या नहीं है। वॉल्यूम का अप डाउन बटन है, जियो का बटन है जो कि जियो के डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ले जाएगा आपको, और प्रोग्राम का बटन है। उसके बाद आपके अकाउंट का यहाँ पे बना हुआ है की जैसा जिस पर आप चेहरा बना हुआ है, तो यहाँ से बेसिकली आप अपने अकाउंट पर विजिट कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट आप ब्राउज कर रहे हो। पावर अडेप्टर आपको मिल जाता है नॉर्मल वाला यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, पावर अडेप्टर, आपका HDMI केबल, रिमोट और आपका सेटअप बॉक्स। तो अगर बात करें टेबल पे रखा हुआ काफी प्यारा लगेगा, बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरने वाला है, छोटा सा गोल सा सेटअप बॉक्स है। जैसे आपने देखा होगा एप्पल टीवी या फिर आपका हो गया MI बॉक्स जो कि 4K अभी लॉन्च हुआ है, ये लगभग उनको टक्कर देगा। बिकॉज जो लोग यहाँ पे जियो की सर्विसेज वगैरह यूज कर रहे हैं उनके लिए MI बॉक्स वगैरह यूज करने से ज्यादा बेटर होगा वो जियो का ये सेटअप बॉक्स यूज करें। बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें आपको जियो की जितनी भी एप्लीकेशन है उनका आपको फ्री एक्सेस वगैरह मिल सकता है, अभी पता नहीं फ्यूचर में शायद मिल जाए। बिकॉज सब कुछ अगर एक इकोसिस्टम रहा जियो का तो उम्मीद है कि
उम्मीद है कि जियो मेहरबान हो जाए आप पे। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।